तो अब एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त राजधानी जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं A1 टीवी के स्क्रीन पर। वंदे भारत ट्रेन में सफाई होगी अब हवाई जहाज की तर्ज पर। इस वक्त की बड़ी खबर, वंदे भारत ट्रेनों में सफाई के तरीके बदलने के निर्देश दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये आदेश जारी किए हैं सफाई के तरीके बदलने के, और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह फैसला लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर यह फैसला लिया है कि वंदे भारत ट्रेन में जो सफाई होगी अब वो हवाई जहाज की तर्ज पे होगी। तो कुल मिला के जो ट्रेन में अमूमन एक समस्या रहती है सफाई व्यवस्था को लेकर, वो अब वंदे भारत ट्रेन में तो दूर होने जा रही है। और रेल मंत्री ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह फैसला लिया है। अब साफ सफाई का जो माहौल होगा, जो जिस तरह ट्रेन में साफ सफाई रहेगी, उसे देखकर लगेगा कि हम शायद वायुयान में सफर कर रहे हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए तो वंदे भारत ट्रेन में सफाई के तरीके बदलने के निर्देश दिए हैं। और इस बारे में और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे A1 सहयोगी ऋषभ पांडे के पास। जी ऋषभ, ये बहुत अलग सा और एक बड़ा फैसला है, क्योंकि आमतौर पर ट्रेनों में सफाई जो होती है वही सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो क्या कैसा फैसला लिया गया और किस आधार पर ये फैसला लिया गया? बिल्कुल, देखिए अगर बात करी जाए तो रेलवे में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वो रहता है सफाई व्यवस्था का। और अगर पुराने समय से हम देखते हैं तो ट्रेनों में सबसे ज्यादा गंदगी देखने को मिलती थी, जिसके बाद जब से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बने हैं तो वो लगातार इसमें बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि अब बीते दिनों की अगर बात करें तो ट्विटर पे कुछ यात्रियों ने वंदे भारत ट्रेन को लेकर कंप्लेन करी थी, जिसमें कूड़े करकट मिला था। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो खाने के पैकेट्स थे और अन्य जो कचरा था वो बिखरा हुआ था। और इसी पे संज्ञान लेते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा फैसला किया है, जिसमें अब जो वंदे भारत ट्रेन है इन ट्रेनों में सबसे पहले जो कूड़ा उठाने का तरीका है उसमें बदलाव किया गया है। और इस बदलाव में यह तरीका अपनाया जाएगा जिस तरह हवाई जहाज की तर्ज पर अब सफाई व्यवस्था की जाएगी। यानी अब जो रेलवे सफाई व्यवस्था करेगा उसमें एक जो शख्स है, जो रेलवे एम्प्लॉय है, वो आएगा और वो वहां पर सबसे हवाई जहाज की तरह मांगेगा कि अपना अपना कचरा इस कचरेदान में डाल दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि यात्रियों के व्यवहार पैटर्न पर ये तय करता है। और इसमें अगर अलग चीज देखें तो आज आसपास का कूड़ा होगा वो उस पैकेट में डाल दिया जाएगा। और इस पूरे संबंध में अब रेल मंत्री ने ट्वीट भी कर दिया है, और ये एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले A1 टीवी ने बताई है कि अब वंदे भारत ट्रेन पर सबसे पहले जो शुरुआत की गई है सफाई की, ये वंदे भारत ट्रेन से करी जाएगी और उसमें अब हवाई जहाज की तर्ज पर कूड़े को उठाया जाएगा। जी बिल्कुल ऋषभ, और वंदे भारत ट्रेन से तो सफाई की एक नई शुरुआत हो जाएगी, लेकिन जो भारत ट्रेन है, जो भारतीय रेलवे है, उसमें क्या सफाई को लेकर आगे कुछ मंत्री जी के दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है, या अब उम्मीद करें कि वंदे भारत के बाद अब भारतीय ट्रेन का स्वरूप भी बदलेगा, सफाई व्यवस्था जो बहुत बिगड़ी है, जो अब तक तो कुछ ठीक हुई थी, क्या उस पर भी कुछ सुधार होने की गुंजाइश है? देखिए निश्चित तौर पर अगर बात करी जाए तो वंदे भारत जो ट्रेनें हैं ये रेल मंत्रालय का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और इसको लेकर रेल मंत्रालय लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है कि लोगों का जो रुख है वो वंदे भारत ट्रेन की तरफ बढ़े। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रोजेक्ट में बहुत, अगर आप देखेंगे कि लगातार हर ट्रेन को वो हरी झंडी भी दिखाने पहुंचते हैं और अलग अलग इलाकों में वो इसको दे रहे हैं, जिससे लोगों का रुझान बढ़े। और इसमें किसी भी तरह की, इसको माना जाता है कि वंदे भारत ट्रेन भविष्य की ट्रेन है भारत के लिए। बुलेट ट्रेन से पहले अगर कोई ट्रेन सबसे ज्यादा, क्या आप देखेंगे सभी जो गंतव्य तक पहुंचने वाले लोग हैं उनको एक सीमित पैसे में समय से हवाई जहाज की तर्ज पर यात्रा कराने का जो आम यात्री को पहुंचाने का तरीका है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन के जरिए लोगों को उसका एहसास दिलाना चाहते हैं। इसीलिए इसकी शुरुआत वंदे भारत ट्रेन से करी गई है, क्योंकि हाई क्लास ट्रेन है, उसमें सफाई व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, इसलिए हवाई जहाज की तर्ज पर इसमें अब शुरुआत की गई है। और ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी, देखिए अगर आप रेल पूरे रेल पैटर्न को आप देखेंगे पिछले अगर 5 साल की बात करें तो काफी बदलाव देखने को मिला है। और कोरोना के बाद तो रेलवे ने लगातार जो बदलाव है
वो उसमें दिखाई दिए हैं, चाहे समय पालनता को लेकर हो या अन्य चीजों को लेकर। तो रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रेलवे और बेहतर होगा और शायद यही जो व्यवस्थाएं हैं ये हमें अन्य ट्रेनों में भी देखने को मिले। जी बिल्कुल ऋषभ, हम उम्मीद यही करते हैं कि जो वंदे भारत ट्रेन में सफाई व्यवस्था नई शुरू होने वाली है वो भारतीय ट्रेनों में भी इसी तरह देखने को मिले। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत ट्रेनों में सफाई के तरीके बदलने के निर्देश दिए गए हैं। शुरुआत हम मान सकते हैं इसको कि सफाई व्यवस्था से जो एक शुरुआत होगी हवाई जहाज की तर्ज पर, जो आमतौर पर साफ सफाई सबसे बड़ी चीज मानी जाती है,